ये देखिए, ये हमारी सारी भैंस है, और ये भैंस हमारी सब स्टॉक से हम हरियाणा से मंगवाए हैं जी। और हमें इन लोगों से बहुत ज़्यादा लगाव है और बहुत ही बेहतरीन भैंस है हमारी। लेकिन इस समय हमने कुछ काम करने से थकावट महसूस हो रहा है, इसलिए इसमें से हम सेल करना चाहते हैं। हम बनारस में आए हैं और जहाँ पे हम आए हैं वहाँ पे बहुत सारी भैंसें नज़र आ रही हैं। जिनकी भैंसें हैं उन्हीं से हम इस भैंसों से संबंधित जानकारी लेंगे। ये सब की सब भैंसें सेल के लिए हैं, है ना। हमारे सामने देखिए, अपना परिचय दीजिए और ये भी बताइए। जी जी, ये वाराणसी में चितईपुर नाम है जो है भैंस हम सब हरियाणा से मंगवाए हैं जी। इन लोग का हम जो है देखभाल अब नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा, इसके वजह से हम इन लोग को सेल करना चाहते हैं जी। जानकारी के लिए मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, ये जो सामने जो औरत है इनका नाम अर्चना गुप्ता है और हम आए हैं बनारस में चितईपुर में। हाँ, चितईपुर अमरा है ना। यहाँ पे काफी संख्या में भैंसें हैं, करीब 6 की संख्या में है, और ये सब की सब भैंसें हैं सेल आउट के लिए हैं। इन्हीं भैंसों में से मैं एक इस भैंस को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तीसरे बयान की है। ये तीसरे बयान की है। थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। सबसे पहले इस भैंस को आप लोग देख लीजिए, बड़ी बॉडी की भैंस है जी, बहुत अच्छी है, दूध देने में भी बहुत अच्छी है जी। खाली हम जी, ये लड़का अब नया आया है लेकिन जब से आया है कुछ सुधरी है। हम कितना करेंगे, इसीलिए हम कहे कि इन लोगों को सेल करके फिर नई भैंस अब हम लोग जाकर हरियाणा से इकट्ठा लाएंगे। अच्छा जी, एक बार और ले आइए इस भैंस को, ले आइए थोड़ा। ये तीसरी में बताई जा रही है, तीसरी में। और ये गाभिन है? गाभिन अभी कराया गया है, ये अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते। अच्छा, कितने दिन पहले? अभी हुआ है एक महीना। एक महीना, इसलिए कि हम धोखे में कोई बात नहीं रखते। नहीं नहीं, सही बात है, स्पष्ट होना भी जरूरी है कहीं ना कहीं। देखिए, ये जो भैंस आप लोग देख रहे हैं ये बकेन्ना की स्थिति में है, बहुत सारी भैंसें बकेन्ना की ही स्थिति में है। जो आप लोग ये भैंस देख रहे हैं इसका दूध जरा बताइए कि दूध कितना देती है आपके यहाँ? दूध इस समय इसका है वही 10 लीटर। 10 लीटर। जानकारी के लिए मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो भैंस आप लोग देख रहे हैं 12 लीटर हमारे यहाँ दी है। हाँ हाँ, हाँ, ये हमारे यहाँ 18 लीटर दी है जी। और अगर कोई और अच्छा, अगर कोई देखभाल करेगा तो उसके यहाँ 20 से 22 लीटर हाँ, हाँ, दे देगी आराम से, क्योंकि हम एक लेडीज है। हाँ, लेडीज के खिलाने में और जेंट्स के खिलाने में जी फर्क रहता है। तो अभी गाभिन नहीं है ना जी? नहीं, अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते। अच्छा जी, ये कितने महीने की ये दूध देने हो गया आपका? 5-6 महीना हो गया है जी। चलिए बांध दीजिए। ये बकेन्ना है और कहीं ना कहीं अगर कोई अच्छा पशुपालक होगा तो उसके लिए भैंस सबसे सही है ना। इसका दूध आप लोग मान के चलिए अगर किसी अच्छे पशुपालक के पास चली जाएगी तो 18 से 20 लीटर दूध एकदम होगा, इससे कम नहीं होगा। दूसरी भैंस को दिखाया जा रहा है, हम लोग इस भैंस से संबंधित भी जानकारी लेंगे इनसे। थोड़ा सा जगह थोड़ा सकरा है, थोड़ा आगे बढ़ाइए, इसके बारे में बताइए मैडम। ये भी हम भैंस, ये मेरी पहली बढ़िया है। हाँ हाँ, इसको हम ये वीडियो के द्वारा ही लिए हैं हरियाणा से। अच्छा जी, और ये इसके 3 महीने का इसका पड़वा है। 3 महीने की ये ब्याई हुई भैंस है और इसका दूध है 15 लीटर। 15 लीटर ये दोनों टाइम का दूध बताया जा रहा है। हाँ, ये भी सेल के लिए है। हाँ हाँ, ये 3 महीने की ब्याई हुई है। हाँ, और बच्चा इसके पास पाड़ा है। बच्चा पाड़ा है, बांधिए। ये सब के सब जितनी भैंसें आप लोग देख रहे हैं ये सब के सब सेल आउट के लिए है, किसी अच्छे पशुपालक के यहाँ। बहुत अच्छी भैंस है, इसको शौक से मंगवाए थे हरियाणा से जी। किसी अच्छे पशुपालक के यहाँ अगर ये भैंस जाती है, कोई भी भैंस जाती है, तो उनके यहाँ ये सब के सब भैंसें बन के देखने को मिलेगी, है ना। अच्छी केयर, अच्छी देखभाल ना होने की वजह से ही ये भैंसें इस स्थिति में देखने को मिल रही हैं। तीसरी भैंस को दिखाया जा रहा है, इसकी भी जानकारी हम लोग लेंगे इनसे ही, जिनकी भैंस है ना। मैडम जी, एक बार बात बताइए। ये भी देखिए, हमारी हरियाणा की ही भैंस है।
और ये दूसरी बियान है। अच्छा जी, ये जब मतलब बच्चा दी थी तो ये दी थी दूध 18 लीटर। अच्छा जी, इस समय 4 महीना हो गया इसको बच्चा दिए हुए। हाँ। और 2 महीने की गाभिन है। इस समय दूध इसका ठंडा 10 लीटर। जी, इस समय इसका दूध बताया जा रहा है ठंडा 10 लीटर। ये दोनों टाइम का दूध है। हाँ। जी, बच्चा इसके पास क्या था? पढ़िया। पढ़िया थी? पढ़िया एक मर गई है। पढ़िया इसके पास थी। इसको ब्याह कितने दिन हो गया? 4 महीना। 4 महीना हाथ से लगती है। बांध दीजिए। ओ ठीक ठीक, आप लोग ये समझ जाइए कि अच्छी केयर ना होने की वजह से ही ये सब की सब भैंसें बेची जा रही है। अगर अच्छी देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति विशेष होता तो कहीं ना कहीं ये सब के सब भैंसें रह जाती। इन भैंसों में एक ये विंडो भैंस है ना, बहुत से लोग इसे मिनी भैंस कहते हैं, मैनी भैंस है ना, शुभ माना जाता है इन भैंसों को, है ना। तो ये भैंस सेल के लिए है या नहीं? ये भैंस सेल के लिए नहीं है, बाकी सब की सब बिक्री के लिए है, सिर्फ प्रदर्शित किया जा रहा है। अच्छा जी, इसका दूध इस समय 15 लीटर है। जी, इसको ब्याह 10 दिन हो रहा है। इसको ब्याह हुए महज 10 रोज हो रहा है और इसका दूध ऐसा बताया जा रहा है कि 15 लीटर है ना, यानी टाइम का दूध हो गया इसका 7 लीटर। सुबह 7:30 ऐसे देते। अच्छा जी, ये भैंस बिक्री के लिए नहीं है, सिर्फ प्रदर्शित की। जी, प्रदर्शित किया जा रहा है। इस भैंस को ऐसा बताया जा रहा है कि घर पे रखा जाएगा। जी, बांध दीजिए। आप लोग को सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप लोग इन भैंसों को देख के समझ जाएंगे कि नहीं, कहीं ना कहीं जो पालने वाले व्यक्ति हैं इनके अंदर रुचि है, तभी जाके सब की सब भैंसें नजर आ रही हैं। इसी भैंस का बच्चा ये है। अच्छा जी, इस भैंस का बच्चा यहाँ पे वो है पड़िया। पड़िया जो अभी बच्चा दी है, अभी हो रहा है 1 हफ्ता। अच्छा जी, इसको 1 हफ्ता हो रहा है, इसको 10 दिन। इसको निकलवाइए। एक और नई पड़िया को दिखाया जा रहा है। पड़िया इसलिए संबोधित किया जा रहा है कि ये देखिए मुर्रा टाइप भैंस है, और अगर इसकी वीडियो को आप लोग को दिखाया जाए तो आप लोग जान जाएंगे कि ये भैंस कैसी थी, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। ये भी पहली पड़िया है। जी, और ये भी हरियाणा से ही आई है। जी, ऐसे बच्चा दिए हुए 6 महीना हो रहा है। जी, इस समय इसका दूध 8 से 10 लीटर है। 8 से 10 लीटर इसका दूध बताया जा रहा है। इस समय 6 महीना हो गया इसको ब्याह हुआ है ना। ये तो अभी गाभिन नहीं होगी? नहीं, गाभिन है 2 महीने। अच्छा, 2 महीने की गाभिन बताई जा रही है। ये काफी अच्छी भैंस है ना, अपने अपने जगह पे सबके सब भैंसें उचित है। बांध दीजिए इसको भी। ये जो सामने आप लोग भैंस देख रहे हैं, इसी का बच्चा ये है, है ना जी? जी, ये मैनी भैंस का ये बच्चा है। ये अच्छा, ये पहली पड़िया है। हाँ। घर में ये घर की है। ये घर की पली बड़ी भैंस है। इसे ब्याह हुए 8 दिन हो रहा है। जी, बच्चा क्या है इसके पास? इसके पास था, पाड़ा था, लेकिन वो गुजर गया। अच्छा, इसका बच्चा डेथ कर गया है। हाँ। लेकिन लगती दूध हाथ से ही है। बहुत अच्छी, बहुत सीधी है। यहाँ पे जितनी भी भैंस हम लोग के पास है ना, सब बहुत सीधी है। इसका दूध कितना है? इसका दूध है 10 लीटर। दोनों टाइम का? दोनों टाइम का जी, 10 लीटर। बांधिए। ये जितनी भैंसें आप लोग देखे हैं, सब के सब भैंसें सेल के लिए हैं, है ना। लेबर हैं वो, है ना। हाँ, अभी नए आए हैं। नया? पहले सब हम ही करते थे, इसीलिए जो है सेल करते हैं। अच्छा जी, कहीं ना कहीं आपका अन्य कार्य होगा, इस वजह से आप चाह रहे हैं कि इन भैंसों को बेच दें। बहुत ज्यादा है ना इसलिए। तो मैडम जी, यहाँ का आप संपर्क सूत्र भी बताइए ताकि लोग आपसे संपर्क करें, उन भैंसों की खरीदी करें। चितईपुर आ जाएंगे ना। हाँ। अमरा ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन चितईपुर से आकर अमरा पूछेंगे। हाँ। तो कोई भी बता देगा, और फिर हम आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे रहे हैं। इन भैंसों के साथ साथ देखिए यहाँ पे कुछ गाय भी नजर आ रही है। ये सब गाय लेकिन सेल आउट के लिए नहीं है, हम सोचे कि इन गायों को भी दिखा दें। क्या मैडम जी, थोड़ा सा इन गायों से संबंधित भी जानकारी दे दीजिए लोगों को।
हमारे जो सांसद मोदी जी जहाँ के हैं ना, वहाँ की ही ये गाय है हमारी गुजरात की। अब बहुत अच्छी गाय है, अभी पहली बच्चिया है, अभी बच्चा नहीं दिया। गाभिन है? हाँ। ये तो बिक्री के लिए नहीं है? नहीं, गाय हम नहीं बेच सेल करेंगे, सिर्फ प्रदर्शित किया जा रहा है। ये गाय हम सिर्फ अपने शौक से रखेंगे। अच्छा जी, ये सब मेरी गाय फेवरेट है। ये ज्यादा गुजरात की ज्यादा है क्योंकि ये मोदी जी की। जी, ये दिखाई दे रही है एक, ये भी नई गाय है। ये है पंजाब की गाय। हाँ हाँ। ये है पंजाब की गाय है। हाँ हाँ। ये पंजाब से आई है और ये जो आई है गाजीपुर से। अच्छा जी, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर से आई है गाय, और ये दूसरी पंजाब की है, हरियाणा की। जी, बहुत बढ़िया। शौक काफी है आपका और यही वजह है कि बच्चे जो है बच्चिया है, देख रही है। अच्छा जी, बहुत सज्जन गाय है, बहुत सी। बहुत बढ़िया, सुंदर। कहीं ना कहीं इनकी जो पशुपालन है ये प्रदर्शित कर रहा है कि आप काफ़ी लंबे समय से इन मवेशियों के साथ अपना समय को व्यतीत की हैं, और यही वजह है कि शौक है। जी, और शौक से जानवर, और यही वजह है कि ये आपके साथ कुछ गाय नज़र आ रही हैं, और भैंस तो आप लोग पहले ही देख लिए है ना। कोशिश करें कि कोई भी मवेशी अपने यहाँ रखें तो गाय जरूर रखें उसके साथ, क्योंकि गाय हम लोग के हिंदू धर्म में बहुत ही मान्यता है, इसलिए हर हिंदू को एक गाय देसी जरूर रखना चाहिए। जी, कहीं ना कहीं हर जगह पे इनका घी का उपयोग है ना, किसी प्रकार का पूजा पाठ हो। दूध, इनका घी बहुत बेहतरीन है।